नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एग्जामगढ़ एप्लीकेशन पर। मैं विवेक चौधरी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग का एक चैप्टर लेकर के आए हैं, कोडिंग डिकोडिंग। एक चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है और उसी सीरीज में ये हमारा दूसरा चैप्टर होगा, कोडिंग डिकोडिंग। हमने प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स जो क्वेश्चन होते हैं, जो चैप्टर है, वो हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। उसका पूरा कॉन्सेप्ट भी हमने समझ लिया विद डिटेल, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग। ये वीडियो यूट्यूब पर भी लाइव है, तो दोस्तों अगर आप इससे अलावा जो चैप्टर्स हैं या इससे अलग जो वीडियोस हैं उन्हें आप देखना चाहते हैं, तो आपको ये बैच बाय करना होगा, इसको आपने खरीदना होगा। इसे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारी एप्लीकेशन है एग्जामगढ़, वहां से उसे डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद आप उसे लॉगिन करने के बाद इसे परचेज कर सकते हैं। 399 रुपये का बैच है, जिसमें हम पूरी की पूरी रीजनिंग आपको कंप्लीट कराएंगे विद पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके साथ साथ दोस्तों आपको और भी क्लासेस मिलती रहेंगी, जैसे मैथ की कुछ क्लासेस मिल जाएंगी आपको, हिंदी की क्लासेस मिल जाएंगी, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी एग्जाम ओरिएंटेड होंगी वो सारी की सारी उस एप्लीकेशन पर भी मिलती रहेंगी। आपको यूट्यूब चैनल पर भी कुछ वीडियोज़ इंपॉर्टेंट मिलती रहेंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग स्पेशल का बैच लेना चाहते हैं तो आप अभी डाउनलोड कर सकते हैं एग्जामगढ़ एप्लीकेशन, वहाँ से जाकर के आप परचेज कर सकते हैं हमारा ये जो कोर्स है, पूरा का पूरा बाय कर सकते हैं। इसकी जो टाइमिंग रहेगी वो क्या रहेगी सर, बैच की 2.5 महीने तक ये पूरा का पूरा बैच कंप्लीट हो जाएगा। रिकॉर्डेड क्लास होंगी, इसमें डेली एक वीडियो अपलोड होगी, उस वीडियो को आप कितनी भी बार देख सकते हैं 90 दिनों तक, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी कमेंट्स होंगी, यानी कि आपका अगर, जैसे हम कह सकते हैं एक तरह से, अगर आप ज़्यादा लोग जुड़ जाते हैं, हमने टारगेट रखा था 1000 का, 1000 से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं तो फिर हम उसकी जो डेट है उसको और बढ़ा देंगे, 90 दिन से 120 दिन कर देंगे, 120 दिन तक वो वीडियो रहेंगी, कितने भी बार आप देख सकते हैं, लेकिन कोर्स पूरा कंप्लीट 2 से 2.5 महीने में हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी के साथ साथ दोस्तों आज हम कोडिंग डिकोडिंग करेंगे और सारी की सारी चीज़ें हम इसमें कवर कर लेंगे, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी टाइप हमारे बनते हैं, सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहेंगे। और दोस्तों एप्लीकेशन से संबंधित आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं, कैसे आपको कोर्स बाय करना है, कैसे आप डेली क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत आसान है एप्लीकेशन, सबसे ईजी एप्लीकेशन है। 399 रुपये दे करके जितनी भी आपके 90 दिन तक के लिए वीडियोज आएंगी, जो भी वीडियोज होंगी, कोई भी कोर्स होगा वो बिल्कुल फ्री होगा, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर से भी हो जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड हो जाएगी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई। सबसे पहले हम कोडिंग डिकोडिंग करेंगे, और कोडिंग डिकोडिंग में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हमें ये देखना है, ठीक है। टाइप के बाद में एक एक करके हम कोडिंग डिकोडिंग का पहला टाइप कवर कर लेंगे। सबसे पहले हमें 3 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला टाइप होता है आपका लेटर कोडिंग। क्या होता है भाई? लेटर कोडिंग। दूसरा टाइप होता है आपका नंबर कोडिंग, नंबर कोडिंग। तीसरा टाइप होता है दोस्तों आपका मिक्स कोडिंग, मिक्स कोडिंग। ये 3 टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं, और इस वीडियो में दोस्तों हम पूरा का पूरा टाइप कवर करेंगे लेटर कोडिंग वाला। अच्छा, लेटर कोडिंग में कितने टाइप बनते हैं दोस्तों? तो इसमें बनते हैं 6 टाइप, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अभी इन 6 टाइप को हम कवर करेंगे एक करके कि कौन कौन से टाइप होते हैं। बहुत इजी है, सिंपल तरीका है, ये 6 के 6 टाइप आपने कर लिए, आपकी लेटर कोडिंग पूरा का पूरा सॉल्व हो गया, कोई भी एग्जाम देने जाएं। अब दोस्तों आपके कमेंट्स ये भी आ रहे हैं कि सर ये जो है वो कौन कौन से एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा। दोस्तों जहां भी आपका 1 डे कॉम्पिटेटिव एग्जाम है और रीजनिंग का पोर्शन वहां पर आ रहा है, तो हर एग्जाम के लिए ये ओरिएंटेड है, हर एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा। आपका SSC का एग्जाम हो, UPSI का एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, बैंकिंग एग्जाम हो, SSC CGL तक का कोई भी एग्जाम हो, आप अच्छी तरह से रीजनिंग को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला दोस्तों जो होता है, सबसे पहला जो पैटर्न होता है वो पैटर्न होता है फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न, पैटर्न लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सबसे पहला टाइप हो गया आपका फॉरवर्ड। भाई फॉरवर्ड होता क्या है, इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, देखो कोई भी लेटर आपके सामने होंगे,
ठीक है, कोई भी लेटर आपके सामने हो सकते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 15 कितने भी लेटर हो सकते हैं, और उनका मतलब एक दूसरे से होगा, यानी कि पहला लेटर होगा तो पहले का पहले से मतलब होगा, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, तीसरे से चौथे का चौथे से। और इस कंडीशन में ये प्लस भी हो सकता है, ठीक है, ये माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, यानी कि इससे 1+2+ भी हो सकता है, 3+4+ हो सकता है, 1-2-3-4- हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन होगा यही कि पहले लेटर का मतलब पहले से होगा, दूसरे लेटर का मतलब दूसरे लेटर से होगा। ये फर्स्ट टाइप होता है। सबसे पहले आपको यही तरीका लगा करके देखना होता है, जब भी आप क्वेश्चंस को कर रहे होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को, आपने सबसे पहले यही तरीका लगाना है कि पहला आपने देखना है कि ये जुड़ रहा है, घट रहा है, कितना घट रहा है, कितना बढ़ रहा है, और फॉरवर्ड पैटर्न लगा कर देखना है। ठीक, सबसे पहले ही आपको फॉरवर्ड पैटर्न लगाना है। अभी इन क्वेश्चंस को हम करेंगे धीरे धीरे, पहले हम समझते हैं सभी के सभी टाइप्स को। दूसरा टाइप यानी कि दूसरा पैटर्न होता है हमारा रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न क्या होता है, देखो, दूसरा होता है रिवर्स पैटर्न। इसमें जैसे आपके कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ये लेटर दे दिए, और नीचे भी ऐसे लेटर हैं। अब इन लेटर्स में होता क्या है दोस्तों, पहले का मतलब होगा लास्ट से, रिवर्स यानी कि उल्टे से, जो भी अपोजिट नहीं है, रिवर्स है, पहले का लास्ट से, सेकंड का सेकंड लास्ट से, और थर्ड का थर्ड से, फोर्थ का इससे, और लास्ट का फर्स्ट से, ऐसे इसका कनेक्शन बन रहा होगा। यानी एक बार देखो फिर से, इसका इससे बन रहा होगा, इसका इससे बन रहा होगा, इसका इससे बन रहा होगा, इसका इससे, और इस लास्ट वाले का इससे, ऐसे कनेक्शन बन रहा होगा, इसको हम कहते हैं रिवर्स। तीसरा आपका बनता है क्रॉस पैटर्न। क्या बनता है? क्रॉस पैटर्न। अब ये पैटर्न आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, जल्दी से क्वेश्चंस को करने के लिए। आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो जल्दी कर सकते हैं, अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो जल्दी नहीं कर सकते हो। अब देखो, जैसे आपको लेटर दे दिए ये, ठीक है, और लेटर आपको दे दिए, मान लो 6 दे दिए या 5 दे दिए, कुछ भी दे सकता है। अब इनका मतलब ये होगा कि फर्स्ट का सेकंड से होगा, क्रॉस हो रहा होगा, ठीक, इसका इससे हो सकता है, ठीक है, इसका इससे हो सकता है, इसका इससे, या इसका इससे। अब इस कंडीशन में भी देखो, हर कंडीशन में पहली फॉरवर्ड हो, रिवर्स हो, क्रॉस हो, हर लेटर में ऐसा नहीं है कि सेम लेटर होंगे, सेम लेटर भी हो सकते हैं, एक प्लस करके भी होगा, एक माइनस करके भी होगा, हो सकता है कि अपोजिट लेटर हो, ठीक है, अपोजिट लेटर की बात करेंगे, लेकिन ये क्रॉस पैटर्न होगा। अभी इसके बाद जो चौथा होगा वो होगा पोजीशन पैटर्न, पोजीशन पैटर्न। अच्छा, पोजीशन पैटर्न क्या होता है वो भी हम बात करेंगे। पोजीशन पैटर्न ये होता है, देखो कोई भी यहां पे लेटर दिए हुए हैं, है ना, ये इस तरह से दिए होंगे और आपको इस तरह से लिखवा देगा, समझ रहे हो? ऐसे लिखवा देगा, यानी कि ये पोजीशन हो गई। पोजीशन का मतलब कोई भी, जैसे फादर लिखा है, फादर को उसने उल्टा लिख दिया, मदर लिखा है, मदर को उसने उल्टा लिख दिया, रिवर्स पैटर्न में लिख दिया। जैसे ये रिवर्स था ना, पहले का लास्ट से, लेकिन इसको हमने पोजीशन पैटर्न दिया, ये पैटर्न अलग बन गया। जैसे ए बी सी डी ई एफ लिखा हुआ ना, तो ऐसे भी ए बी सी डी ई एफ लिख दिया उसने, ऐसे उल्टा लिख दिया, पोजीशन चेंज कर दी, पहली लास्ट में ले गया, मतलब उल्टी पोजीशन। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं, जैसे मदर लिखा है, एम ओ T-H-E-R, मदर लिखा हुआ है, ये देखेंगे आप ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन इसको वो लिख देगा इस तरह से। तो आप जब इस तरह से लिखेंगे MOTHER, ये होता है आपका पोजीशन बेस्ड पैटर्न, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत हुई यहां तक? नहीं हुई। अच्छा, आगे और पांचवा जो पैटर्न बनता है वो बनता है अपोजिट पैटर्न। क्या बनता है? अपोजिट पैटर्न, अपोजिट। अच्छा, अपोजिट क्या होता है? अपोजिट ये होता है कि जैसे ए का अपोजिट क्या होता है? जेड। बी का अपोजिट वाई, है ना, और ऐसे ही किसी का भी, एम का अपोजिट एन हो जाएगा। ये ऐसे अपोजिट होते हैं, आपको अपोजिट लेटर दे रखे होंगे, आपको सर्च करना है कि ये सर कौन सा अपोजिट लेटर है। इनको याद करने की ट्रिक मैंने पहले भी बताई है, लेकिन जब हम इस टाइप को करेंगे अपोजिट वाले को, एक बार 2 मिनट में हम जल्दी से उसे भी देख लेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। अच्छा, लास्ट हमारा छठवां जो पैटर्न बनता है लेटर कोडिंग में, वो पैटर्न बनता है इलॉजिकल, ठीक है, इलॉजिकल पैटर्न बनता है, जिसका कोई लॉजिक तो होता नहीं अपनी तरफ से। वो देखो, एक कोई ना कोई तरीका जरूर होगा,
समझ रहे हो, लेकिन इलॉजिकल तरीका होगा, उसका कोई मतलब नहीं बन रहा होगा, लेकिन उसने फिर भी बना रखा होगा। ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे, मैं अभी सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको करा रहा हूँ, आप एक एक करके देखना और मैं इजी तरीके से आपको बताता रहूँगा, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट पैटर्न से। फर्स्ट पैटर्न यानी कि फॉरवर्ड पैटर्न, तो आप नोट करेंगे फॉरवर्ड पैटर्न से, ठीक है। देखो नंबर वन पैटर्न है हमारा, और हम लेटर कोडिंग कर रहे हैं सबसे पहले, लेटर कोडिंग हम करने वाले हैं। इसमें सबसे पहला पैटर्न जो है वो है फॉरवर्ड पैटर्न, फॉरवर्ड पैटर्न। और इस फॉरवर्ड पैटर्न में दोस्तों क्वेश्चन नंबर एक है हमारा, क्वेश्चन नंबर एक है हमारा, किंग को उसने, किंग को लिखा हुआ है उसने एल आई ओ एच, है ना, किंग को लिख। इसमें क्वेश्चन नंबर एक आपसे दे रखा है, क्वेश्चन नंबर एक दिया हुआ है, उसने लिखा हुआ है किंग्स, किंग लिखा हुआ है, बस किंग, किंग को उसने लिख दिया, ये लिखा हुआ है एल जे ओ एच, सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं सबसे पहले। तो अब आपसे पूछ रहा है भाई आर्मी को क्या लिखा जाएगा, ए आर एम वाई, इसको क्या लिखा जाएगा। तो अब आपको अच्छी तरह से पता लग गया, आपको पता लग गया कि सर ये जो है फॉरवर्ड पैटर्न है, सबसे पहला पैटर्न है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक एक बढ़ा देंगे, बढ़ा करके देखेंगे। भाई के को एल कर रखा है तो उसने एक बढ़ा दिया, आई को जे कर दिया प्लस एक कर दिया, एन ओ प्लस एक, जी एच प्लस एक, हर बार एक एक प्लस कर दिया। यहां पर हम देखेंगे ए को हम बी लिख देंगे, आर को एस लिख देंगे, एम को एन लिख देंगे, Y को Z लिखेंगे, V S N Z इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा दोस्तों हम देखें इसी क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को अगर हम रिवर्स पैटर्न से करके देखें, ठीक है, तो हमें कैसे लिखा हुआ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर दो देखें आप, सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को भी कराऊंगा, अभी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन, इजी से इजी क्वेश्चन, टफ से टफ क्वेश्चन, कैसे कैसे बनते हैं सभी को कराऊंगा। अभी फिलहाल में हम करने वाले हैं रिवर्स पैटर्न को। रिवर्स में आपको लिखा होगा किंग्स, के आई एन जी, किंग्स लिखा होगा, और उसने क्या कर रखा होगा, ऐसे लिख रहा होगा एल जे ओ एच, ठीक है। अब आप देखेंगे क्या हो रहा है इसमें, अब आप इसमें देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे सिर्फ आपका रिवर्स पैटर्न लग रहा है। पहले आपका लग रहा था कौन सा पैटर्न, फॉरवर्ड पैटर्न, यह रिवर्स पैटर्न है। कैसे रिवर्स पैटर्न, देखो के एल प्लस एक हो रहा है, यहाँ से फर्स्ट से लास्ट में जा रहा है प्लस एक हो रहा है, ठीक है, आई से जे प्लस एक हो रहा है, एन से ओ प्लस एक हो रहा है, जी से एच प्लस एक हो रहा है, हर बार प्लस एक हो रहा है, लेकिन सीधे सीधे नहीं हो रहा है, किस में हो रहा है, रिवर्स पैटर्न में हो रहा है, पहले का लास्ट में है, लास्ट का फर्स्ट में है, ऐसे हो रहा है। क्वेश्चन नंबर थ्री हम लें और हम देखेंगे क्रॉस पैटर्न में, क्रॉस पैटर्न में हमने लिखा किंग, के आई एन जी, किंग। अभी इसको जैसे आपका किंग लिख गया ना रिवर्स पैटर्न में, तो आप अगर आर्मी को लिखना हो कैसे लिख देंगे, आर्मी को लिख नहीं सकते हो भाई, आर्मी को कैसे लिखेंगे, फर्स्ट लास्ट में ले जाएंगे, सेकंड लास्ट में ले आएंगे, है ना, यहाँ पे आप करेंगे ए, यहाँ पे आर, यहाँ एम और यहाँ वाई, ये हो गया आंसर, ए वाई एम आर ए आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट अब हम करेंगे दोस्तों टाइप थ्री को, और टाइप थ्री नहीं पैटर्न थ्री को, पैटर्न थ्री है क्रॉस पैटर्न, क्रॉस पैटर्न, क्रॉस पैटर्न में देखो जैसे लिखा जाएगा यहाँ पे जे एल और एच ओ, ये लिख दिया, ठीक है। अब आपको पता लग गया सर के बाद एल, आई जे, आई के बाद जे, एन के बाद ओ, जी के बाद एच, तो आर्मी को क्या लिखा जाएगा, ए आर एम वाई, क्योंकि एक एक प्लस हो रहा है, यहाँ से एक प्लस ऐसे, यहाँ से एक प्लस ऐसे, यहाँ से आप देखेंगे आर के बाद एस, ए के बाद बी, और इसके बाद देखेंगे एम के बाद एन और y के बाद z, तो s b z n आंसर हो जाएगा। अच्छा अब आप देखेंगे, नहीं सॉरी ये वाला गलत हो गया ना, एक एक प्लस था, एक एक प्लस था, वो प्लस नहीं किया हमने, चलो प्लस कर लो, देखो a से b कर दिया हमने, ठीक है, r से s कर दिया, m से n कर दिया, y से z कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप बिल्कुल अच्छी बात है, आपने सोचा इतनी जल्दी, ठीक है। आपने किंग्स लिखा था, एक एक प्लस किया हमने, आर्मी को भी सेम लिख दिया। अब आप देखेंगे चौथा टाइप है आपका पोजीशन, पोजीशन में आप देखेंगे भाई क्वेश्चन नंबर चार, वैसे तो मैंने बता दिया है आपको, जैसे लिखा हुआ है फादर, एफ ए टी एच ई आर, फादर लिखा हुआ है,
ठीक है। अच्छा फादर लिखा हुआ है, तो फादर उसने सीधा लिखा हुआ है, इस फादर को क्या लिख रखा है? फादर को लिखा उसने FATHER, फादर लिखा हुआ है इस तरह से, मतलब ये सीधा था, उसने क्या कर रखा है, पोजीशन बदल रखी है। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए भाई मदर को क्या कहा जाएगा, MOTHER, मदर, मदर को क्या कहा जाएगा, आप इधर से ना चल करके ऐसे चलेंगे तो MOTHER, मदर, ये आपका ऐसे लिखा हुआ है, आंसर आपका बन गया भाई। जब फादर को ये लिखा जा रहा है तो मदर को ये लिखा जाएगा। आपके टाइप कंप्लीट हो गए चार, चारों टाइप के आपके क्वेश्चंस पता लग गए, क्वेश्चन हम करेंगे लेकिन अभी कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। अच्छा और नेक्स्ट इसी में चौथे टाइप में पोजिशन बेस्ड में ऐसा भी हो सकता है, कैसा, देखो जैसे एग्जाम गढ़ है और एग्जाम गढ़ को क्या लिख रखा है उसने, देखो यहाँ पे कहाँ लिखे हैं, थोड़ा सा मिटाई देता हूँ इसको, मैं चौथे टाइप को मिटा करके मैं एक और टाइप यहाँ पे बनाए देता हूँ, देखो हेलो ओके आई एम बिजी राइट नाउ, यू कॉल बैक लेटर आफ्टर 1 आवर। सॉरी, चलिए सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे हमने फादर को कोड कर दिया और मदर को भी कोड कर दिया, क्योंकि फादर को कोड कर रखा था, हम समझ गए कि सर इसमें पोजीशन वाला टाइप लग रहा है। अच्छा आगे हम बढ़े, जैसे ही हमने देखा कि सर एग्जाम गढ़ लिखा हुआ था EXAM एग्जाम GARH, और एग्जाम गढ़ को उसने लिखा हुआ था XEMAAGHR। तो अब आपसे पूछा गया सर फिजिक्स को क्या लिखा जाएगा, PHYSICS, सर फिजिक्स को क्या लिखा जाएगा, एग्जाम गढ़ को कोड कर दिया उसने ऐसे, फिजिक्स को कोड क्या किया जाएगा? तो आपको पता है सर दो दो लेटर का पेयर बन रहा है और दोनों को क्या कर दिया, पोजीशन बदल दिया, आगे का पीछे, पीछे का आगे, पीछे का आगे, आगे का पीछे। तो एक तो तरीका इसमें ये बन रहा था कि सर इस वाले क्वेश्चन में आपने क्रॉस पैटर्न क्यों नहीं अप्लाई किया, ये तो क्रॉस पैटर्न बन रहा है, हम ऐसे भी बना सकते हैं, है ना, ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें क्रॉस पैटर्न नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल सीधा लिखा हुआ था और दोनों लेटर को आगे पीछे करके बस चेंज कर रखा था। तो आप चाहें तो इस वाले पैटर्न में भी रख सकते हैं, लेकिन ये पैटर्न अलग है पोजीशन वाला, ये वाला क्वेश्चन। अभी जब क्वेश्चन हम करेंगे तो इस वाले तरीके से भी पता लग जाएगा, इस क्रॉस वाले पैटर्न से भी पता लग जाएगा कैसे अलग अलग हैं, ठीक है। अच्छा फिजिक्स को क्या लिखेंगे भाई, HPSYCI और इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। जब अगर हमने देखा सर ये पूरा का पूरा हमारा दो दो करके पेयर बन रहे हैं, ये दो दो पेयर बन रहे हैं और इसका कोई भी पेयर नहीं है, तो लास्ट वाले को हम सेम रहने देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम चेंज कर देंगे जो भी हमारी पहले चेंज हो रहे हैं। अगर इससे अलावा भी कुछ और होता, मान लो यहाँ पे कुछ भी होता, आई होता या जे होता, और यहाँ पे हम मान लेते हैं एक और एस होता, तब भी यहाँ एस हो जाता क्योंकि ये भी एक ही जैसे हैं, जे होता तो फिर दो दो पैटर्न हो जाते, दोनों चेंज हो जाते, है ना, समझो मेरी बात को। कहना ये चाह रहा है कि हर दो दो लेटर आपके रिवर्स हो रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं, तो इसको पोजिशन पैटर्न कहते हैं, जो पूरा का पूरा एक साथ चेंज होता है। तो आगे हम और देखते हैं, अच्छा देखो एक और क्वेश्चन बनता है इसी में पोजिशन में, आपसे लिखा होगा डिस्ट्रीब्यूशन, देखो क्या लिखा है उसने, डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक। अच्छा इसको उसने लिखा हुआ है, कोड कर रखा है किस तरह से, उसने कोड किया हुआ है NOITBU और इधर से उसने कोड किया हुआ है DISTRI, इस तरह से कोड किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6वां क्वेश्चन है ये, और हम देखेंगे टाइप 4 का है, पैटर्न 4 है, ठीक। अच्छा आपसे कह रहा है वो सब्स्टिट्यूशन, हाँ सब्स्टिट्यूशन,
क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, हमने क्या किया भाई, 2 4 6, 2 4 6 12 लेटर थे बिल्कुल, हमने बीच में से दो पार्ट किए, 2 4 6 8 10 2 12, हम बिल्कुल बीच में से पार्ट करेंगे। अब इसने क्या कर रखा है, देखो सेम लिखा हुआ था लेकिन यहाँ से उसने इसे ऐसे चेंज कर दिया, यहाँ से ऐसे लिखा हुआ था, बस दो पार्ट कर दिए हैं, यहाँ ऐसे लिखा था उसने ऐसे चेंज कर दिया है, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, ये यू बी होगा, ठीक ऐसे लिखा हुआ था, बस आपने चेंज कर दिया। आप क्या करेंगे, एस यू बी एस टी आई ये लिख दिया, ये तो हो गया पहला वाला। अब ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे चेंज कर दो भाई, एन ओ आई टी यू टी ये लिख गया, बस इसका कोड ये बन गया। अब मैं देख लेता हूँ आपको नीचे तक दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम फिर नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। अभी हमने चार चार पैटर्न कर लिए हैं और पांचवा पैटर्न जो होगा वो अपोजिट पैटर्न होगा, उसको भी कवर करेंगे हम। और उससे पहले ठीक है ये करा दिया मैंने, और हाँ चलो अब अपोजिट पैटर्न हम कर लेते हैं। अपोजिट पैटर्न क्या है मेरे भाई, अपोजिट पैटर्न अभी तक हमने फॉरवर्ड पता लगा लिया, रिवर्स पता लगा लिया, क्रॉस पोजीशन ये दोनों रह गए हैं, दोनों को पता लगाते हैं क्या क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको मिटाता हूं मैं, हमने चारों के चारों पैटर्न पता कर लिए, पांचवा पैटर्न अब करेंगे हम स्टार्ट, और देखना ध्यान से। अभी सिर्फ और सिर्फ ये समझना दोस्त कि अभी आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट पता लग रहा है कि कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ इनके लेटर्स चेंज होंगे, इनकी जो संख्याएं होंगी वो चेंज होंगी, इनके प्लेसेस चेंज होंगे, बाकी कॉन्सेप्ट यही लगने वाला है, ठीक। अभी अपोजिट में आप देखें, अपोजिट, अच्छा अपोजिट का मतलब होता है विपरीत, कोई भी नंबर हो उसका विपरीत। आपको सबसे पहले मैंने याद करने के तरीका बता दिया है, फिर से एक बार बता देता हूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ऐसे आपने एम तक लिखना है, ए बी सी डी, और एम के बाद आगे एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्लू एक्स वाई जेड। एक मिनट लगेगा, फिर से मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, वैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ये बातें बताई थी और आगे तक ज़रूरत होगी इनकी। अच्छा ए बी सी डी में देखेंगे आप, ए टू जेड आप लिखते हैं तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, ए टू जेड, ए का अपोजिट Z, B O Y बॉय, बॉय का अपोजिट यानी कि B का अपोजिट Y, C का अपोजिट आप एस आई एक्स लिखते हैं लेकिन सी आई एक्स लिखेंगे तो भी 6 हो जाएगा, तो C का अपोजिट क्या हो गया X, ऐसे ही D E W, ड्यू, D E W, D का अपोजिट W। अब आप देखेंगे E V और L O, इन दोनों को छोड़ दो, यानी कि इसका मतलब होता है लव, L O V E, यानी कि लव माने प्यार, और L का अपोजिट O, V का अपोजिट E, ये होता है। अच्छा फ्यू, F E U, फ्यू यानी कि F का अपोजिट U, G T रोड आप देखेंगे, G T रोड यानी कि G का अपोजिट क्या हो गया आपका T, हाई स्कूल H I, हाई स्कूल आप सभी ने कर रखा होगा, हाई स्कूल। उसके बाद इंडियन रेलवे, I R का मतलब है इंडियन रेलवे, इनसे होगा क्या, इनसे आपको थोड़ी सी ट्रिक मिल जाएगी, इसको कहते हैं हम जंगल क्यून, जंगल क्यू यू डबल एन, के पी आपने देखा होगा कानपुर, या फिर आपने मूवी देखी होगी पी के, तो के का अपोजिट पी, पी का अपोजिट के, एल ओ हो गया एम ए एन मैन, ठीक ये बन गया आपका पूरा का पूरा ट्रिक, यानी कि आपको याद रखना है, एक बार फिर से रिवाइज कर लो फिर हम मिटा देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, कर रखा है पहले, ए टू जेड बी ओ वाई बॉय, सी आई एक्स ड्यू फ्यू जी टी रोड हाई स्कूल इंडियन रेलवे जंगल क्यून कानपुर और मैन, यानी कि मैन का मतलब पहले का लास्ट से है, एम का अपोजिट एन है, एन का अपोजिट
एम है, ये बात आपको पता लग गई। अब कुछ क्वेश्चंस आपके सामने होंगे और क्वेश्चन तीनों पैटर्न में से, जो चार पैटर्न कराए ना मैंने, फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस, पोजीशन, किसी भी पैटर्न में क्वेश्चन हो सकता है। कहने का मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर पैटर्न जो आपके लेटर होंगे वो अपोजिट में होंगे, लेकिन पैटर्न चारों में से कोई भी अप्लाई हो सकता है, दिक्कत नहीं लेनी है आपने। बस कॉन्सेप्ट को समझना है कि सर ये जो लेटर है ना ये अपोजिट है, लेकिन इसमें पैटर्न चारों में से कोई एक है, पैटर्न चारों में से कोई एक है। देखो इससे अलग पैटर्न बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी अपोजिट वाले को, क्यों? क्योंकि यहाँ आपको पता था कि सर हर बार हम प्लस कर रहे हैं, एक या दो प्लस कर रहे हैं या तीन प्लस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है अपोजिट ही करते हैं, तो इसे पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी हमें सिर्फ 2 मिनट में पूरा का पूरा कवर हो गया अपोजिट वाला, आगे चल करके हमें दिक्कत नहीं होने वाली। हम छोड़ने वाले कुछ नहीं है, जिन्होंने भी इस बैच को परचेज कर लिया है ना वो जब लास्ट करेंगे ना आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा रीजनिंग में, पक्की बात है। ठीक है, टाइम तो लगता है हर चीज़ को समझने में, ऐसा भी नहीं है कि फास्ट में जल्दी जल्दी पढ़ा दूँ, अगर जल्दी जल्दी पढ़ाना है तो ऐसा नहीं है, धीरे धीरे चलेंगे, आप सभी को साथ लेकर के चलेंगे। ठीक है, चलो देखो जैसे हैंड लिखा हुआ है HAND, ये आपका कौन सा पैटर्न है? अपोजिट पैटर्न है, पैटर्न सिक्स अपोजिट पैटर्न है। हैंड को लिखा हुआ है SZMW, ये लिखा हुआ है। अच्छा आपसे पूछ रहा है ट्रेन को क्या लिखा जाएगा, ट्रेन को क्या लिखा जाएगा। जब ऐसा क्वेश्चन हो तो आप इजी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही कम समय लगेगा आपको। कैसे करेंगे? देखो H को S, A को Z, N को M, D को W, मतलब हर लेटर का अपोजिट लेटर लिखा हुआ है यहां पर, तो हम इस लेटर का भी अपोजिट लिख देंगे। और सभी का अपोजिट आप देखेंगे तो सेम बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है, तो इसमें पैटर्न कौन सा लग रहा है आपने पता है? फॉरवर्ड। और साथ ही साथ कौन सा पैटर्न है दूसरा? अपोजिट। T का मतलब GT रोड, R का मतलब इंडियन रेलवे, A का मतलब A to Z, ठीक है, आई का मतलब इंडियन रेलवे, एन का मतलब MAN, तो इसका आंसर हो गया GIZRM। आगे आते हैं, आपके सामने लिख दिया उसने हैंड, HAND हैंड। और अब की बार उसने क्या किया भाई, उसने क्या ऐसे ये लिख दिया WNZS और बोल रहा है आपसे पूछ रहा है भाई क्या है किंग, KING, किंग का मतलब क्या होगा? अब आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे बताएंगे? आपने देखा सर इसमें पैटर्न तो दोनों फॉलो कर रहे हैं, कौन कौन से? एक तो आपका सबसे पहले रिवर्स पैटर्न भी लग रहा है और अपोजिट पैटर्न भी लग रहा है, क्यों? क्योंकि एच से हाई स्कूल, ठीक है, यानी कि एच का अपोजिट एस, ए का अपोजिट जेड, एम का अपोजिट एन, एन का अपोजिट एम, डी का अपोजिट डब्ल्यू, अच्छा के का अपोजिट पी, आई का अपोजिट आर, एन का अपोजिट एम, जी का अपोजिट टी, तो TMRP ये आंसर हो गया। ऐसे ही कोई भी तरीका आपका फॉलो हो सकता है, ये आपका हो गया अपोजिट पैटर्न। अच्छा अब नेक्स्ट है हमारा लास्ट पैटर्न, वो है इलॉजिकल पैटर्न, ये वाला 6th पैटर्न। अब इसको करते हैं फिर हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे, पहले हम नंबर कोडिंग को समझेंगे, मिक्स कोडिंग को समझेंगे, सभी को समझने के बाद हम धीरे धीरे अपने क्वेश्चंस को, जब हम टेस्ट सीरीज लेकर के आएंगे, यूट्यूब पर भी फ्री होगा टेस्ट सीरीज और टेस्ट सीरीज हमारे एप्लीकेशन पर भी फ्री होगा, तो चलिए उसको भी लेकर के आएंगे हम और डेली उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे सभी क्वेश्चंस को, तो उसको देखना ना भूलें। ये पेड मेंबर्स के लिए भी और हर यूट्यूब सब्सक्राइबर जो हैं उनके लिए भी फ्री क्लासेस हैं, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब वालों के लिए और एप्लीकेशन वालों के लिए एक स्पेशल, बस यही है कि एक रीजनिंग का स्पेशल बैच आ गया है, आप परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम अमाउंट में आप उसे परचेज कर सकते हैं, 399 रुपीज़ में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इलॉजिकल, इलॉजिकल पैटर्न। भाई है क्या ये इलॉजिकल पैटर्न क्या है? ये है देखो, आपको एक
मैं एक वर्ड दे रहा हूँ, वर्ड कुछ लेटर से दे रहा हूँ, आपने बताना है उसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक, बहुत ही आसान है और लेकिन कठिन भी लगने वाला है आपको। इस टाइप का ये पहला क्वेश्चन है, कह रहा है THGIR। ठीक, उसके बाद दूसरा उसने कह रखा है TFEL, TFEL, आगे PU, आगे लिखा हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है यहाँ पे क्या आएगा, बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो बताने में। मैं आपको ऑप्शंस और लिख रहा हूँ जिससे आप और इजी कर सकें। देखो, ऑप्शन ए है NWOD, ऑप्शन बी है NWAM, ऑप्शन सी है ODWN, ऑप्शन डी है WODN। ये ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इलॉजिकल में देखो कोई भी इसका इससे रिलेशन नहीं बन रहा है, ना इसका फॉरवर्ड पैटर्न है, ना रिवर्स पैटर्न है, ना क्रॉस है, ना पोजीशन है और ना ही अपोजिट है, बिल्कुल अलग पैटर्न बन रहा है। जब इन पांचों में से कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है तो वो आ जाएगा इलॉजिकल में। इलॉजिकल में तरीका क्या लगेगा दोस्तों, इसमें आप देखेंगे यहाँ और यहाँ और यहाँ हर तरह अलग अलग है, लेकिन कोई ना कोई इक्वलिटी है इनमें। क्या इक्वलिटी है, आप जब गौर से देखेंगे तो ये आपको सीधे THGIR, यानी कि कोई स्पेलिंग नहीं बन रही, TFEL नहीं बन रही, PU नहीं बन रही, लेकिन जब हमने ऑब्जर्व किया इसको थोड़ा सा ध्यान लगा करके, तो हमने एक बात नोटिस करी कि सर अगर इन लेटर्स को, इन वर्ड्स को हम लेफ्ट से ना पढ़ के राइट से पढ़ना स्टार्ट कर दें तो कुछ ना कुछ जरूर मीनिंग बन रहा है। क्या बन रहा है सर, RIGST राइट, LEFT लेफ्ट, अप आगे डाउन आना चाहिए। अच्छा, डाउन कैसे आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए डाउन DOWN, या फिर ऐसे आना चाहिए NWOD। देखो हर बार उल्टा लिखा हुआ है तो ऐसे लिखा होना चाहिए ना, समझ रहे हो, ऐसे लिखा होना चाहिए ना कि ऐसे लिखा हो, तो ये गलत है, ये बात सही है। ऑप्शन देखो NWOD, NWOD पहला ही ऑप्शन राइट है, ये इसका आंसर हो गया। तो ऐसा तरीका लगता है। अभी देखो UPSI का एक मैं सवाल आपको दिखाता हूँ, जो पीछे जो UPSI का पेपर हुआ था आपसे पहले उसमें आया हुआ क्वेश्चन है UPSI का। देखो क्वेश्चन है, देखना, ये भी इलॉजिकल है, क्वेश्चन नंबर दो है, ऑप्शन भी दूंगा और YERAL, ETLA, DCLO, यहां क्या आएगा ये आपसे पूछ रहा है। ठीक, अच्छा ऑप्शंस भी दे रहा हूँ मैं आपको, DCLU, ऑप्शन बी HTE, ऑप्शन सी HTO, ऑप्शन डी HTUD, ये लिखा हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें से क्या बन सकता है, तो आपने देखा कि सर YERAL कोई मीनिंग नहीं है, ETLA कोई मीनिंग नहीं है, DCLO कोई भी मीनिंग नहीं है, इन्हें इधर से पढ़ा LARY कोई नहीं बन रहा, ALTE नहीं बन रहा है, OLCD नहीं बन रहा है, लेकिन हर बार ऐसा थोड़ी ना होगा कि सर आगे से ना दे करके पीछे से दे रखा हो, कुछ और भी तो लॉजिक बन सकता है, इलॉजिकल जब भी तो क्वेश्चन है ये। तो इसमें जो लॉजिक बन रहा है वो ये बन रहा है कि भाई अगर इस वाले पूरे के पूरे हम लेटर वर्ड को उठा करके इनके लेटर को काउंट करें और काउंट करने के बाद एक एक हम मीनिंग वाला लेटर बनाएं, मीनिंग वाला वर्ड बनाएं, तो इसमें आप देखेंगे ईयर बन रहा होगा अर्ली, सॉरी ERLY अर्ली बन रहा है, ERLY अर्ली बन रहा है। ठीक, अच्छा यहां पे आए हम, बन रहा है LATE लेट। आपने देखा सर अर्ली का अपोजिट लेट होता है, अर्ली का अपोजिट लेट होता है। ठीक, अच्छा COLD कोल्ड बन रहा है इसका, COLD कोल्ड। अच्छा अब एक बात बताओ मेरे भाई, कोल्ड का अपोजिट क्या होता है, हॉट होता है ना, कोल्ड का अपोजिट ठंडे का अपोजिट गर्म, कोल्ड का अपोजिट हॉट, हॉट कहाँ हो सकता है, देखो इसमें बन सकता है, इसमें बन सकता है, या इसमें, या इसमें, इसमें बन सकता है HOT हॉट, ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका, ऑप्शन सी। ठीक,
ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई। एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस तरह का, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? फिर हम आगे बढ़ेंगे। आ जाओ नेक्स्ट है, देखो ये देखना लास्ट टाइप है इसका, और इलॉजिकल का लास्ट टाइप है। इसके बाद हम नंबर कोडिंग करेंगे, ठीक है? ये देखो आई वी एक्स एल सी एम, ये है। इस बीच में क्या लेटर आएगा? ये इलॉजिकल का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बताना, इसका कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, जल्दी से आंसर बताओ। आई वी एक्स एल सी, फिर उसमें खाली स्थान दे रखा है एम। मेरे भाई इसको आप ध्यान से जब देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपको एक बात समझ आ रही होगी कि सर ये इंग्लिश के लेटर से अगर देखें तो आई वी यानी कि 9, 22, 24, 12, 3, 13, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं लग रहा। लेकिन दूसरी तरफ जब हमने देखा तो रोमन जो नंबर होते हैं वो भी तो ऐसे होते हैं, फर्स्ट, फिफ्थ, 10, और ये होता है आपका L जो बना होता है 50, C जो होता है 100, इसके बाद आगे हमें पता नहीं, M होता है आपका 1000। चलो अब हमें ये भी पता लग गया कि सर ये 1 होता है, ठीक, ये 5 होता है, समझ रहे हैं? ये कितना होता है सर? 10 होता है। ये सर 50 होता है, ये सर 100 होता है, ये सर 1000 होता है। इतना तो हमें पता है। आपने देखा सर, आपने देखा 1 से 10 10 गुना हो रहा है, 5 से 50 10 गुना हो रहा है, ठीक है? यहाँ से आप देखेंगे 10 से 100 कितना गुना हो रहा है भाई? 10 गुना हो रहा है। 50 से आप देखेंगे 10 गुना, 50 धाम 500। अब 500 आना चाहिए यहाँ पे, 500, और 500 को रोमन लैंग्वेज में क्या कहते हैं भाई? डी। क्या कहते हैं? इस तरह से बना होता है डी, ये होता है आपका 500। इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी, डी राइट आंसर है, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इसके स्क्रीनशॉट लें, फिर हम करते हैं अपने नेक्स्ट आगे। और आगे अब हम ये वीडियो में करने वाले हैं नंबर कोडिंग। अभी हमने लेटर कोडिंग कर लिया, नंबर कोडिंग करेंगे। तो दोस्तों हम अभी जो ना अपने नेक्स्ट नंबर कोडिंग को स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि टाइम कम है और 10 मिनट और बची हुई हैं, और 10 मिनट में मैं आपको जो है इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है? जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं हो। अलग क्वेश्चंस को कर लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर लगा दूंगा मैं क्वेश्चन, देख लेना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को करने में, और इजी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब पैटर्न आपको सभी पता लग चुके हैं, ठीक है? अब पैटर्न बेस पर क्वेश्चन नहीं करने हैं, पैटर्न बेस पे नहीं करने हैं, सभी क्वेश्चंस को करना है एक तरफ से। बुक ले लें, कोई भी बुक ले सकते हैं, और बुक की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या कह रहा था, जो पेड मेंबर हैं उनके लिए तो मैं PDF प्रोवाइड कराऊंगा, और PDF आप जब जैसे एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और कोई भी वीडियो देख रहे होंगे उसके डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक होगा, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी PDF आपके फ़ोन में खुल जाएगी, ठीक है? और जो हमारे यूट्यूब के मेंबर हैं उनके लिए examgad.com पे जाएं, वहाँ पर मैं एक बुक प्रोवाइड करा दूंगा आप सभी के लिए, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक? चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं हम आपके सामने, ध्यान से देखना। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, है ना? आप देखना और आंसर देना, आपके ऑप्शंस भी लगे होंगे और साथ ही साथ आपके वहाँ पर सही आंसर देना है क्वेश्चन प्लस ऑप्शंस के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, LUTE, इसको उसने लिखा हुआ है भाई, मैं सिर्फ यही लिख देता हूँ, चलो ऑप्शन ऑप्शन लगा दूंगा वहाँ पे, ठीक है? इसको लिखा हुआ उसने MUTE। अच्छा आगे आगे लिखा हुआ है भाई FATE, आगे लिखा हुआ है GATE, आगे लिखा हुआ है ब्लू BLUE, ठीक है? यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है? यहाँ पे क्या आएगा? ये एक कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ही इजी सवाल है। LUTE को MUTE, FATE को GATE, और ब्लू को क्या लिखा जाएगा? आपने देखना है भाई, आपने देखा सर यहाँ पे बिल्कुल सेम लेटर हैं, ये तीन सेम लेटर हैं,
ये तीन सेम हैं, ये तीन सेम हैं, ये तीन सेम हैं, ये बिल्कुल एक जैसे लेटर हैं। जो यहाँ है वो यहाँ है, जो यहाँ है वो यहाँ है, जो यहाँ है तीन वो यहाँ होंगे। सबसे पहले आपको देखने हैं ऑप्शन, ऑप्शन देखने के बाद तुरंत बाद आपने ये तीनों के तीनों यहाँ पर लगा देने हैं, ठीक। ये आप देखेंगे एल यू ई, कितने ऑप्शन हैं जिनमें लास्ट में एल यू ई आ रहा है, आपने देख लिया। अगर ऐसे दो से एक्स्ट्रा हैं तो आपने और सॉल्व करना है, और सॉल्व किया तो एल से एम, एम से आप देखेंगे एफ, यानी कि एक बात आपके समझ में आई, ये अलग है, ये अलग है, इसके बाद वो अलग हो जाएगा। आपने देखा एल से एम प्लस एक हो रहा है, अच्छा, एफ से जी प्लस एक हो रहा है, बी से सी, तो ये हो जाएगा क्लू, सी एल यू ई, क्लू इसका आंसर है, बिल्कुल ऑप्शन में भी है, राइट आंसर है, ठीक। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। देखो उसने लिखा हुआ है जंगल, सॉरी क्वेश्चन नंबर दो है ट्विंकल, ट्विंकल लिखा हुआ उसने लिख दिया इसको एस वी एच एम जे के डी, तो एफ आई एल टी ई आर एस, फिल्टर्स को क्या लिखा जाएगा, ये आपके सामने क्वेश्चन है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और ज़्यादा टफ नहीं होते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, यहाँ तक कि आप स्टेट पीसीएस को देखेंगे वहाँ तक भी आप कोडिंग डिकोडिंग में करेंगे तो कुछ बड़ी बात नहीं है। सिर्फ इन पाँच छः पॉइंट्स जो मैंने लिखवाए हैं आपको, इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पर गड़बड़ होती है कि सर ये जो तरीका है आपको इनकी वैल्यू याद होनी चाहिए, जैसे एम 13 नंबर पे है, जेड 26 नंबर पे है, इन सभी सभी की वैल्यूज आपको याद होना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा सर टी से एस हो रहा है, यानी कि एस टी वी डब्ल्यू एच आई एम एन जे के एल डी ई, यानी कि -1 हो रहा है हर बार, -1 आपने -1 कर देना है सभी में, -1 -1 -1 -1 -1 आप करेंगे। भाई एफ की पोजीशन क्या होती है, एफ की पोजीशन होती है 6, 5 किसकी होती है ई की, आई 9 होता है, 8 क्या होती है एच, एल 12 के 11, टी 20, 19 पर क्या होता है आप देखेंगे एस होता है 19 पे, ई 5 पे होता है, 4 पे क्या होता है डी, आर 18 पे, 17 पे क्यू, एस 19 पे, आर 18 पर, ये हो गया इसका राइट आंसर, ठीक, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, और फिर हम थोड़ा सा समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक। आर ओ डी ई रोड, आर ओ ए डी सॉरी सॉरी आर ओ ए डी रोड, उसको लिखा उसने यू आर डी जी। इससे अलावा जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे हम चैप्टर खत्म होने के बाद, और हमारे यूट्यूब पर भी चल रही हैं क्लासेस, और जो इस एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं इस एप्लीकेशन पर भी वो बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो देख सकते हैं उनको भी आराम से, ठीक है। तो इसकी आपको जो टेस्ट सीरीज़ की जो वीडियोस हैं वो आपको डेली मिलती रहेंगी, वहाँ आप देख सकते हैं, और उनका कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री होगा। इसका आंसर आपने बताना है, आप अच्छी तरह से बता सकते हैं अगर इनकी प्लेस वैल्यू आपको पता होगी, अदरवाइज इसकी प्लेस वैल्यू की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे आर एस टी यू ओ पी क्यू आर ए बी सी डी डी ई एफ जी, यानी कि तीन तीन आपके यहाँ पे प्लस हो रहे हैं, हर जगह प्लस तीन हो रहे हैं, कहीं भी कर लो। एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, आप देखेंगे बी सी डी ओ पी क्यू, ये आपका आ गया आंसर। ऑप्शन देखें कौन सा वाला है, वी जेड डी क्यू, ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई, ये सभी फॉरवर्ड पैटर्न के क्वेश्चंस थे, और यहाँ पर एक अलग ही क्वेश्चन था ये, इसमें सिर्फ और सिर्फ पहली लाइन, पहला जो लेटर था वो अलग था, सेम लिखे हुए थे, बाकी पहला पहला लेटर अलग था, बाकी सेम लिखे हुए थे, ठीक। चलिए तो सभी ने क्लास को एंजॉय किया दोस्तों, और क्लास कैसी लगी मुझे बताना एक बार थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारी यूट्यूब पर क्लास थी इसलिए थोड़ा सा हमने इसे छोटा ही रखा है, बाकी हमारी 56 मिनट 58 मिनट 56 मिनट ऐसे 1 घंटे से थोड़ा सा कम रहती है, 1-2 मिनट, बाकी 1 घंटे की ही वीडियो रखते हैं हम, ठीक है।
चलिए, बाकी दोस्तों हम आपसे मुलाकात करते हैं कल। हमारी डेली क्लासेस चल रही हैं मंडे टू फ्राइडे एप्लीकेशन पर, और अगर आप चाहते हैं उसे बाय करना तो अभी आप 399 रुपये में उसे परचेज कर सकते हैं, और 399 रुपये में दोस्तों आपको रीजनिंग की क्लासेस प्लस पीडीएफ, और उसके साथ साथ पीडीएफ के साथ साथ आपको और भी मैटर अवेलेबल रहेगा उस एप्लीकेशन पर। एग्जामगढ़ एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कर सकते हैं, या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।